करने के लिए इकट्ठा हो गया है, खड़ा हो गया है। विचार आ गया। जब हम भारत के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें इस महान अवसर की महानता का आभास होता है। हम इसको संविधान क्यों कहते हैं? संविधान का मतलब है संविधान। सम का मतलब एक सा, सबके साथ एक सा व्यवहार करने वाला संविधान। इसके बिल्कुल उलट यहां पे 2000 साल तक मनुविधान चलता रहा, जो संविधान नहीं था, जो विषम विधान था, जो विष विधान था, जो जाति के आधार पे सबको टुकड़ों में बांट के रखे हुआ था, हजारों की संख्या में, मैं कहूंगा कि लाखों की संख्या में छोटे छोटे टुकड़ों में जिसने बांट के रखा हुआ था, और सबके अधिकार नहीं थे, सबके अधिकार नहीं थे, सबके अलग अलग तरह के, किसी बहुजन समाज के जो हमारे लगभग 7000 उपवर्ग हैं, उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार ना देके उनको सिर्फ गुलामों का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया 2000 साल तक। उस 2000 बाबा साहब ने 1917 में ही ये प्रण किया था, जिसको हम संकल्प दिवस कहते हैं। 1917 में ही बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को ये प्रण किया था कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, बड़ौदा के अंदर ये संकल्प उन्होंने लिया था कि मैं जिस समाज के अंदर पैदा हुआ हूँ, अगर उस समाज की जंजीरों को नहीं तोड़ पाया, अगर उस समाज की मानसिक गुलामी को नहीं काट पाया, तो मैं अपने आप को गोली मार के समाप्त कर लूंगा। जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब बहुत खुश थे संविधान को स्वीकार करने के बाद, बाबा साहब बहुत खुश थे, तो रत्तू ने पूछा कि बाबा साहब क्यों खुश हैं? तो उन्होंने कहा कि आज मैं वो काम कराया हूं, आज मैं वो काम कराया हूं, हजारों साल से मेरे लोगों के पैरों में पड़ी हुई जंजीरों को तोड़ के आ गया हूं। आज हो सकता है कि उनको इस चीज का एहसास ना हो कि उन्हें क्या मिला है। आने वाले समय में जब वो इस हथियार को चलाना सीख लेंगे, जब वो इन अधिकारों की महत्ता को समझ लेंगे, तो आने वाले समय में जो लोग आज महलों में हैं वो सड़कों पे नजर आएंगे, और जो सड़कों पे हैं वो महलों में नजर आएंगे। ये साथियों, बाबा साहब के संविधान ने 50 साल के अंदर ही करके दिखा दिया। कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार आपने अपनी सरकार बना के दिखा दिया कि इस संविधान के अंदर कितनी ताकत है। ये सिर्फ सरकार ही नहीं बनी, ये सरकार उनके नेतृत्व में बनी, ये सरकार उनके नेतृत्व में बनी जिनको हजारों साल से खाट पे, चारपाई पे बैठने की तो बात छोड़ दीजिए, जिनके नजदीक से कोई गुजरना नहीं चाहता था। लेकिन इस संविधान की महत्ता को देखिए कि उसी समाज की एक बहन के पैरों को छू, पैर की धूल को छूकर इस देश का ब्राह्मण समाज अपने जीवन को धन्य मानने लगा। यही संविधान की महत्ता है, यही संविधान की महत्ता है। आज किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर ताकत नहीं है कि वो हमारे महापुरुषों का, हमारे महानायकों का, हमारे उन सभी क्रांतिकारियों का किसी भी तरह का विरोध कर सके जिनके समाज को कभी उन्होंने बराबर की नजर से नहीं देखा था। इसलिए इस संविधान ने सबको समान अधिकार दे दिए। ये एक महान क्रांतिकारी कार्य था। बाबा साहब ने दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिए इस संविधान के संदर्भ में कही थी साथियों, वो ये कि कोई संविधान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। परिस्थितियों का मतलब है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती हैं, सत्ता के द्वारा बनाई जाती है। जिस समाज के पास ताकत होगी, जिस समाज के पास सत्ता होगी, वो संविधान का मोहताज नहीं होता। जिस समाज के पास सत्ता नहीं होती, वो हमेशा संविधान की तरफ देखता है। इसीलिए पिछले 70 साल में हमारे पास एक दो उदाहरण तो हैं,
हम में से कुछ लोग अभी यूनिवर्सिटीज के अंदर, हम में से कुछ लोग अभी नौकरशाही के अंदर, हम में से कुछ लोग अभी राजनीति के अंदर ताकतवर तो हुए हैं, लेकिन हमारा समाज अभी वहीं पे है, बहुत हद तक अभी वहीं पे है जहां पे वो हजारों साल से रह रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो संस्थान है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था है, इन संस्थानों पर मनुवादी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इसीलिए ये लोग इस संविधान को लागू नहीं होने दे रहे हैं। अभी तो मेरा संविधान ठीक से लागू होना शुरू भी नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ शुरुआत मात्र हुई है, तब इन लोगों के पेट में इतना दर्द हो गया है, तब इन लोगों की सत्ता पूरी तरीके से हिलने लगी है। काश आपके हाथ में शिक्षा का शस्त्र आ जाए, काश आपके हाथ में आर्थिक तंत्र आ जाए, काश आपके हाथ में राजनीतिक तंत्र आ जाए, तो आप इस संविधान को पूरा लागू कर देंगे, फिर यहाँ पे समानता का राज होगा, फिर यहाँ पे न्याय का राज होगा, फिर यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। इसीलिए 70 साल में हमारे जो दो चार परसेंट लोग हैं, उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत करके इस संविधान को लागू कराने का जो प्रयास किया, उस संविधान के द्वारा इनका 2000 साल का जो वर्चस्व था वो पूरी तरीके से चरमराने लगा है। साथियों, ये लोग कहते हैं या हमारे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ी खराब परिस्थिति है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आज मेरे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, पिछले 2000 साल के सबसे बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं। हमारे जो 26 साथी हैं, मानसिक मिशन के जो लोग हैं, कितने खूबसूरत, कितने आलीशान, कितने बढ़िया कपड़े पहन के वो आपके सामने हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमारी पिछली 100 पीढ़ियों ने इतने बढ़िया कपड़े नहीं पहने थे। हम लोग इतने बढ़िया खाना खा रहे हैं, हम लोग इतने बढ़िया घरों में रह रहे हैं, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, हम लोगों ने कौन सा मुकाम हासिल नहीं किया है, तो फिर ये निराशा की बात करते क्यों हैं आप लोग कि भाई हम मर रहे हैं, हम गिर रहे हैं, हम खत्म हो रहे हैं। वो तो हमेशा से होता रहा था। जो नया हो रहा है, जो अद्भुत हो रहा है, जो विशेष हो रहा है, वो सकारात्मक हो रहा है, वो आपकी ताकत बढ़ रही है, वो आपकी हिम्मत बढ़ रही है। आज आप उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता पे पहुंच जाएंगे। साथियों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, इसलिए रोना धोना छोड़ने की जरूरत है। हमने बहुत ज्यादा प्रगति की है, हजारों गज जमीन के नीचे से निकल के हम लोग आए हैं, और आज उनके पूरे के पूरे जो तख्त ताज है उसको हिलाने की कुवत रखते हैं। आज अगर बहन जी एक शब्द बोल देती हैं पार्लियामेंट में, तो चाहे हमारे पास लोकसभा की एक सीट ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मोदी नाक रगड़ते हुए नजर आते हैं। साथियों, आपकी ये ताकत है, ये ताकत जो है किसी भी वजह से आपको इसमें निराश होने की जरूरत मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने जितनी प्रगति की है वो बहुत अद्भुत है। इसलिए उनको ये समझ में आने लगा कि इस संविधान को अगर ठीक से लागू किया गया, इस संविधान को लागू करने के लिए अगर ऐसे लोग आ गए जो मानसिक किस्म के लोग हैं। साथियों, ये मानसिक क्या मामला है? बाबा साहब ने कहा कि मानसिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है। अगर आपके पैरों में जंजीर है तो उस जंजीर को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन मस्तिष्क पे आपके मानसिक गुलामी आपकी है तो उस जंजीर को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बता सकता हूं कि जो हाथी का बच्चा है, जो साथियों जो हाथी है, हाथी का बच्चा दुनिया में सबसे ज्यादा समय लेता है अपनी मां के पेट से दुनिया में आने के लिए। 21 महीने का समय लगता है उसको। जो बाबा साहब ने और मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है, मैं उसी बात को अपने शब्दों में कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हाथी के बच्चे को 21 महीने का समय लगता है इस दुनिया में आने के लिए, लेकिन जब वो एक बार जमीन पे आ जाता है, एक बार दुनिया में आ जाता है, तो फिर वो हाथी हथनी जो है अपने आप बच्चे को दूध नहीं पिलाती। ये खासियत है के हाथी का बच्चा खुद उठ के मां के दूध तक जाता है। मां के दूध तक अगर एक बार हाथी का बच्चा उठ के चला जाता है तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत बैठा नहीं सकती है। तो एक बार वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बैठा सकती। लेकिन समय का चक्र देखिए कि हाथी का बच्चा जब
छोटा बड़ा होने लगता है तो उसके पैरों में छोटी सी जंजीर डाल दी जाती है। हाथी का बच्चा प्रयास करता है उस जंजीर को तोड़ने का, लेकिन उस समय पे वो जंजीर थोड़ा मजबूत होती है। धीरे धीरे प्रयास करता रहता है लेकिन तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे उसको ये एहसास होने लगता है कि ये जंजीर बड़ी है, जंजीर ताकतवर है। हाथी का बच्चा बड़ा होता जाता है लेकिन वो जंजीर ऐसी की ऐसी ही रहती है, उसको अब वो तोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ा होने के बावजूद भी उसके जो उसके पैरों की जंजीर है वो अब उसके पैरों में नहीं है, वो अब उसके मस्तिष्क में है, वो उसके दिमाग में है। उसे लगता है कि ये जंजीर उतनी ही ताकतवर है जितनी मेरे बचपन में थी। उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं है, उसे अपने शरीर का एहसास नहीं है। ये बहुजन समाज भी कुछ कुछ इसी तरह से है। साथियों, हाथी की एक और समस्या है। हाथी की समस्या ये है कि शरीर तो बहुत विशाल है लेकिन आंखें थोड़ी छोटी हैं। आंखें छोटी होने की वजह से उसको अपने शरीर के बारे में जानकारी नहीं होती। उसकी इस कमी का फायदा उठा के महावत 5 फीट का 4 फीट का महावत उसके ऊपर बैठता है, 3 फीट की लकड़ी लेता है, उसमें 2 इंच का एक कील लगी हुई होती है जिसको अंकुश बोलते हैं, और उस अंकुश के सहारे वो 500 टन के हाथी को नियंत्रित करता है। लेकिन जिस दिन उस हाथी को अपने शरीर का एहसास हो जाता है, अपनी ताकत का एहसास हो जाता है, उसी दिन वो हाथी उस महावत को अपने पैरों के नीचे कुचल के मार देता है। मेरे बहुजन समाज को भी आज मानसिक मतलब मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज के मिशन का, उनकी ताकत का, उनकी जो है विचारधारा का पता चल चुका है। उसे अपनी ताकत का आज एहसास हो चुका है। वो दिन दूर नहीं है जब ये महावत, ये जब हाथी रूपी बहुजन समाज इस मनुवादी महावत को अपने पैरों के नीचे कुचल के खत्म कर देगा। ये ताकत आपको इस संविधान ने दी है। ये ताकत संविधान ने कैसे दी है? क्यों? क्योंकि बहुजन समाज भी 85% समाज है। बहुजन समाज भी बहुत बड़ा समाज है। जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान कैसे खतरे में हो सकता है? साथियों, जब आपने अपनी माँ का दूध पी लिया है, हाथनी का दूध पी लिया है, अपने महापुरुषों के ज्ञान से आपको अपने ताकत का एहसास हो गया है, तो कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। मेरे पूर्वज, मेरे साथी कह रहे थे कि 2002 में भी इन लोगों ने दुश्चेष्टा की थी। मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरे देश के अंदर संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में करके पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाया था। दिल्ली में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था। उस टाइम पे इनकी सिट्टी फिट्टी गुम हो गई थी। उस समय पे उन्होंने जो कमीशन बनाया था उसको वापस लेना पड़ा, और संविधान बदलने की तो बात छोड़ दीजिए, संविधान की समीक्षा तक नहीं हो पाई थी। आज भी नहीं कर पाएंगे अगर आप खड़े हो जाएंगे, आज भी नहीं कर पाएंगे अगर आप जो है अपनी ताकत को दिखा देंगे। दूसरी, साथियों, एक महत्वपूर्ण बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है ये हजारों साल का आंदोलन है। हमने बहुत सारी उठापटक देखी है इस आंदोलन के अंदर, बहुत सारी हमने जो है ऊंच नीच देखी है। हमने बुद्धिज्म जैसा दुनिया के सामने इतना बढ़िया फिलॉसफी दिया, इतनी बड़ी एक जो है हमने विचारधारा दी पूरी दुनिया के सामने, लेकिन उसको भी मनुवादियों ने खत्म कर दिया। हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया कबीर से लेके और मान्यवर कांशीराम साहब तक ने, लेकिन वो आंदोलन जो है जाति व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर पाया, खत्म नहीं कर पाया। तो फिर ये जाति व्यवस्था इतने लंबे समय से चल कैसे रही है, इस पे एक मिनट सोचने की जरूरत है। उसका साथियों सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो कारण है वो कारण ये है कि हमने कभी मछली की आंख पे अटैक ही नहीं किया। हमने कभी मछली की आंख पे अटैक ही नहीं किया और इधर उधर अपना जो है लक्ष्य भेजते रहे, छोटी मोटी हरकतें इधर, छोटे मोटे उदाहरण इधर होते रहे, लेकिन जो इस जाति व्यवस्था की जड़ है उसको कभी भी ये डर नहीं लगा कि जाति व्यवस्था मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है। मान्यवर साहब ने कहा कि इतने बड़े बड़े लोग आए, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी आए, मैं इसको समाप्त नहीं कर पाया, वो इनको समाप्त नहीं कर पाए, इसलिए मुझे इसको टैकल करने दीजिए। टैकल करने का मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये दुधार अभी तक एक धार की तलवार थी, अभी तक ये मेरे समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को काट रही थी, अगर मैं इसको दुधारी तलवार बना दूं,
कुछ हमारे भी कटे, कुछ उनके भी कटे, तो जिन लोगों ने इस व्यवस्था को बनाया है वो ही कहने लगेंगे कि जातिवाद खराब है, जातिवाद खराब है। आज पूरे देश के अंदर अगर वो कह रहे हैं कि जातिवाद खराब है, जातिवाद खराब है, राजनीति में जाति आ गई है, समाज में जाति आ गई है, धर्म में जाति आ गई है, तो वो इसलिए आ गई है क्योंकि अब उनको पिंच होने लगा है। अब बहुजन समाज जिसको जाति के आधार पर तोड़ के रखा गया था वो अब इकट्ठा होने लगा और उसने अपने हकों हकूक की लड़ाई को मुकम्मल मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसलिए आज व्यवस्था परिवर्तित होने की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी अभी मुझे लगता है कि हमारी जो है और हमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, और उसके लिए राजनीति के साथ साथ, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के साथ साथ हमें अपनी संस्थाओं का साथियों निर्माण करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं कि संस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा तो उसका कारण यह है कि जो ब्राह्मीणवाद है उसके लिए सबसे बड़ा हथियार शिक्षा रहा है। उसने शिक्षा के द्वारा राजा को भी झुकाया, उसने शिक्षा के द्वारा वैश्य को भी झुकाया, उसने शिक्षा के द्वारा शूद्रों से भी गुलामी कराई, तो उसने शिक्षा पे अपना पूर्ण वर्चस्व रखा। और उस शिक्षा के द्वारा उसने किया क्या, उस शिक्षा के द्वारा उसने हमारी मानसिक ताकत जो है उसको कुंद कर दिया पूरी तरीके से। और स्वतंत्रता के बाद भी, 1947 के बाद भी जो शिक्षण व्यवस्था देश के अंदर चली आ रही है उसमें उसने पहलाद को पैदा करने का प्रयास किया है। साथियों पहलाद क्या है? साथियों ये पहलाद कुछ भी नहीं है जिसको मान्यवर साहब जो है अपने शब्दों में चमचा या दलाल बोलते थे। ये पहलाद जो है वो है जो हमारे अपने ही समाज का है, हमारे अपने ही परिवार का है, हमारा अपना ही बेटा है, लेकिन उनके संस्कारों में ढल गया है, उनके संस्कारों में बन गया है। इसलिए अगर आपको अपने समाज में पहलाद पैदा करने से रोकना है तो अपनी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा, अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशिक्षण संस्थाएं जो है वो हजारों साल तक चलती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती हैं। एक बार आपने अगर अपने बच्चों की कल्चर को चेंज कर दिया, उनके संस्कारों को चेंज कर दिया, तो फिर जो पहलाद हिरण्यकश्यप की हत्या कराने, हिरण्यकश्यप मतलब उसका अपना खुद का बाप है, अगर अपने बाप की वो बच्चा हत्या करा सकता है तो हमें अपने घरों में भी पहलाद पैदा होने से रोकना पड़ेगा। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी संस्थाओं का निर्माण हो, हमारी बड़ी संस्थाओं का निर्माण हो। इसको साथियों इस रूप में समझ सकते हैं कि ज्योतिबा फूले ने 1882 में ये कहा कि 1882 अब से 136 साल पहले उन्होंने ये कहा कि इस देश के अंदर अंग्रेजों के सामने इस देश के अंदर कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद 1911 में इन्होंने इस कानून को लागू किया। 1911 में मतलब 61 साल जो है वो स्वतंत्रता के भी थे। लेकिन मजे की बात यह है कि 1911 के बाद से, सतीश प्रकाश जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1911 के बाद से पूरे देश के अंदर लगभग 6 लाख प्राइमरी स्कूल हैं, पूरे देश के अंदर 6 लाख प्राइमरी स्कूल हैं। लेकिन 1911 में जब राइट टू एजुकेशन लागू हुआ कि हर बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए, इन 6 लाख स्कूलों में से, उसमें कांग्रेस की सरकार भी शामिल थी और आज की ये सरकार भी शामिल है, 1.25 लाख स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया है। पूरे देश के अंदर 1.25 लाख स्कूलों को बंद किया है, और वो सारे के सारे स्कूल जो हैं हमारे शेड्यूल कास्ट की बस्ती में बंद हुए हैं, ट्राइबल्स की बस्ती में बंद हुए हैं, मुस्लिमों की बस्ती में बंद हुए हैं, ओबीसी की बस्ती में बंद हुए हैं। अभी चुनाव कल खत्म हुआ है झारखंड के अंदर, वहां पे 3000 स्कूलों को बंद कर दिया। राजस्थान के अंदर 25000 स्कूलों को बंद कर दिया। पूरे देश के अंदर 1.25 लाख स्कूलों को बंद कर दिया है सारे के सारे। तो इसका कहने का मतलब इन्हें पता है कि शिक्षा के द्वारा हमने कितनी बड़ी ताकत हासिल की है। अगर शिक्षा इसी तरीके से चलती रही तो फिर ये बहुजन समाज जो है अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा के हमारी व्यवस्था को नेस्ता नाबूद कर देगा, हाथी को अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। इसलिए अब वो शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर देना चाहते हैं, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने लगभग ध्वस्त कर दिया है। अब समय आ गया है कि हमें अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण करना चाहिए। इसलिए जितने भी हमारे बौद्ध विहार हैं साथियों, बौद्ध विहार बौद्ध परंपरा में कोई पूजा के स्थान नहीं है, बुद्ध जो है कोई धूप बत्ती और अगरबत्ती के जो है
अगरबत्ती चाहने वाले हमारे जो है आराध्य नहीं है, बल्कि बुद्ध सामाजिक राजनीतिक क्रांतिकारी हैं। जितने भी बौद्ध विहार थे वो सारे के सारे विश्वविद्यालय थे, सारे के सारे कॉलेजेस थे, सारे के सारे स्कूल थे। विहार का मतलब ही शिक्षा शास्त्र शिक्षालय होता है। हमारे विद्यालय को इन्होंने पूजा का स्थल बना के खत्म कर दिया। इसलिए जरूरत है कि आज जैसे दिल्ली के अंदर ही लगभग 200 बौद्ध विहार हैं, उन बौद्ध विहारों को शिक्षण संस्थाओं में परिवर्तित किया जाए। जितने भी अंबेडकर भवन हैं उनको शिक्षण संस्थानों में परिवर्तित किया जाए। जितने भी सामुदायिक भवन हैं उनको शिक्षण संस्थानों में परिवर्तित किया जाए। इस तरीके से पूरे देश के अंदर हम अपनी अगर चौपालों को अपने अंबेडकर भवनों को पुस्तकालयों में और शिक्षण संस्थानों में परिवर्तित कर देंगे तो अपने बच्चों को वहाँ पे हम अपने समाज के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने कल्चर के बारे में बता पाएंगे। और फिर ये संविधान जो है दिन तूनी रात चौगनी ताकत से लागू किया जाएगा। ये संविधान जो है भारत में प्रबुद्ध भारत का जो सपना बाबा साहब ने देखा था उसको लागू करने का काम करेगा। साथियों, ये संविधान जो है कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है। जो दुनिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर हुए हैं उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सामाजिक क्रांति का संविधान है, सामाजिक क्रांति का संविधान है। यहाँ पे अगर आर्टिकल 19 को आप देख लें, अगर आर्टिकल 19 को ही सिर्फ आप देख लें तो उसमें कहा गया है कि आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अछूत समाज जो है उसको रास्ते पे चलने का अधिकार नहीं था। आर्टिकल 19 के अंदर कहा गया है कि जो चाहे वो व्यवसाय कर सकते हैं। पूरे के पूरे बहुजन समाज को अपनी पसंद का व्यवसाय करने का अधिकार नहीं था। आर्टिकल 19 के अंदर ही ये कहा गया है कि आप अपना संगठन बना सकते हैं। बहुजन समाज को 7000 टुकड़ों में काट के रखा हुआ था। इसी तरीके उसी में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है कि आप अपनी बात कह सकते हैं। अब बहुजन समाज को मुंह खोलने का अधिकार नहीं था। ऐसे ही संविधान के जितने भी प्रावधान है वो आपको सम्यक रूप से सत्ताशील बनाते हैं, वो आपके अधिकारों को सुनवे ब्राह्मणवाद पे अटैक करते हैं, ब्राह्मणवाद को खत्म करते हैं। एक शब्द में अगर मैं कहूं कि संविधान क्या है तो मैं कहूंगा ब्राह्मणवाद को नेस्तनाबूद करके प्रबुद्ध भारत की स्थापना करने का दस्तावेज ये संविधान है। इसलिए हर हालत में हमें इस संविधान को ना सिर्फ लागू कराना है बल्कि अपनी ताकत को बढ़ा के जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो अन्याय अत्याचार की व्यवस्था है, जो भूखमरी और अंधविश्वास की व्यवस्था है उसको खत्म करके भारत को पुनः प्रबुद्ध भारत और गौरवशाली भारत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माफी चाहूंगा थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया, लेकिन साथियों ने जो ये ग्रुप बनाया है मानसिक, उस पे जरूर मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि वास्तव में विचार महत्वपूर्ण होता है। और जब साथियों ने मानसिक का मतलब ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, नारायण गुरु, साहूजी महाराज, आयरन लेडी, बहन कुमारी, मायावती, सामान्यतः हमारे लोग जो हैं इस बात से गुरेज रखते हैं कि भाई वो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी के प्रमुख है, इसलिए मंचों से हम उनका नाम नहीं लेंगे। हमें इस बात में कोई गुरेज नहीं है और मैं उनका साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मानसिक में बहन जी कुमारी मायावती को भी स्थान दिया है, माननीय काशीराम साहब को भी स्थान दिया है। साथियों, अगर हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है तो उसका एक बहुत ही बढ़िया माकूल अवसर आपके सामने है। वो बढ़िया माकूल अवसर आपके सामने तुरंत चेंज करने का है। आपको 5 साल भी वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि सिर्फ 5 महीने में संविधान की विरोधी देशद्रोही ताकतों को आप नेस्तनाबूद कर सकते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाइए और इस संविधान की रक्षा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मानव।